हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 7 का अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज। दोस्तों, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है। आज हम इस अध्याय का भाग एक पढ़ेंगे जिसका नाम है साधारण ब्याज। ओके दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, हम साधारण ब्याज का परिचय पढ़ेंगे। परिचय में हम लोग साधारण ब्याज, मूलधन क्या होता है और मिश्र धन की कुछ समझ के बारे में बात करेंगे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग साधारण ब्याज के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए इस साधारण ब्याज को बहुत अच्छे से एक उदाहरण के साथ समझा जाए। दोस्तों, हमारे पास एक लड़का है जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा को बहुत दूरी तय कर कर स्कूल तक जाना होता है। कृष्णा ने एक दिन सोचा कि क्यों ना वो एक बाइक खरीद ले और बाइक से स्कूल जाया करे, ताकि उसका टाइम भी बच जाए और वो थके भी ना। ओके दोस्तों, तो उसने ये सोचा, बाइक तो बहुत महंगी आएगी और माता-पिता भी इस चीज के लिए राजी नहीं होंगे। तो उसने सोचा कि पैसे तो उसके पास है ही नहीं। अब उसने क्या काम किया, अगले दिन वो घर पे गया और अपने माता-पिता से उसने इस बारे में चर्चा की। माता-पिता ने उसे सलाह दी कि वो बैंक से जाकर कर्ज लेकर मोटरसाइकिल खरीद ले। बैंक ने दिए जाने वाली उधारी की राशि पर प्रति वर्ष कुछ अतिरिक्त राशि लेकर मोटरसाइकिल खरीदने के लिए धन दे दिया। बैंक से उधार या जो कर्ज ली हुई राशि है, उस राशि को हम राशि मूलधन के नाम से जानते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। ओके दोस्तों, दोस्तों जब हम बैंक से कुछ उधार राशि कर्ज लेते हैं, तो निश्चित अवधि के बाद बैंक द्वारा वापस ली गई अतिरिक्त राशि ब्याज कहलाती है। जैसे अगर आपने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 50,000 रुपये बैंक से उधार लिए, वो राशि हमारी राशि मूलधन कहलाएगी। जब हम 50,000 रुपये बैंक को वापस करेंगे और उस 50,000 रुपये पर जितनी राशि हम लोग अतिरिक्त जमा करेंगे, उस राशि को हम लोग ब्याज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ब्याज को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहा जाता है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ध्यान देंगे कि मूलधन राशि, जिसको हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, वो क्या होती है, ब्याज क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है और साधारण ब्याज भी क्या होता है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि मूलधन राशि क्या होती है। दोस्तों, मूलधन राशि को इंग्लिश में प्रिंसिपल अमाउंट कहा जाता है। दोस्तों, मूलधन राशि वो राशि होती है जो उधार ली गई राशि को कहते हैं, और इसे दोस्तों पी के द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके दोस्तों, आइए अगला देखते हैं क्या कह रहा है ब्याज। दोस्तों, उधार ली गई राशि पर दी गई अतिरिक्त राशि ब्याज यानी इंटरेस्ट कहलाती है, और इसे आई द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके दोस्तों, तीसरा तीसरा है मिश्र धन। मिश्र धन एक निश्चित अवधि के बाद लौटाई गई ब्याज सहित मूलधन को हम लोग मिश्र धन यानी अमाउंट कहते हैं। ओके दोस्तों, और इसे ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला दोस्तों, साधारण ब्याज। यदि मूलधन तथा ब्याज की दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो, तो इस प्रकार के ब्याज को साधारण ब्याज के नाम से यानी सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और इसे SI द्वारा निरूपित किया जाता है। दोस्तों, ब्याज दर को आर तथा समय को ठीक से निरूपित करते हैं, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आइए दोस्तों, दोस्तों अब हमने सीख लिया कि मूलधन राशि, ब्याज, मिश्र धन और साधारण ब्याज क्या होते हैं। आइए अब इनके सूत्रों के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लें। दोस्तों, अगर हमें मिश्र धन यानी अमाउंट निकालना है, तो हम किस सूत्र का प्रयोग करके मिश्र धन का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास तीन तरीके के सूत्र हैं जिससे हम राशियों का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मिश्र धन यानी अमाउंट ज्ञात करना है, तो हमारा इसका सूत्र होता है मूलधन राशि जमा ब्याज। ओके दोस्तों, इसमें मिश्र धन को, जैसा कि हमने अभी बताया, मिश्र धन को ए के द्वारा निरूपित करते हैं,
मूलधन राशि को पी के द्वारा निरूपित करते हैं और ब्याज को आई के द्वारा निरूपित किया जाता है। ओके दोस्तों, आइए अगले सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगर हमें ब्याज निकालना हो तो इसका सूत्र होता है मिश्रधन माइनस मूलधन राशि। ओके दोस्तों, अगला, अगर हमें मूलधन राशि निकालनी होती है तो उसका सूत्र होता है मिश्रधन माइनस ब्याज। तो दोस्तों, हमने किस किस का सूत्र निकालना सीखा? मिश्रधन का, ब्याज का और मूलधन राशि का। ओके दोस्तों, इन सूत्रों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि आने वाले अगले प्रश्नों में हम इस सूत्रों का प्रयोग करने वाले हैं। ओके दोस्तों, आइए उदाहरण के माध्यम से साधारण ब्याज, मिश्रधन, ब्याज, मूलधन की राशि को समझते हैं। ओके दोस्तों, आइए, ये दोस्तों उदाहरण में कह रहा है कि तीन किसान बैंक से 1500-1500 रुपए कर्ज लेते हैं। पहला एक वर्ष बाद बैंक को, जो पहला किसान है वो एक वर्ष बाद बैंक को 1650 रुपए देता है। दूसरा जो है किसान 2 वर्ष बाद 1800 रुपये देता है, तथा तीसरा जो किसान है वो 3 वर्ष बाद 1950 रुपये बैंक को लौटाता है। तीनों किसानों की ब्याज की दर प्ति वर्ष हमें ज्ञात करनी है। तो दोस्तों, हमारे पास ये तीन किसान हैं। आइए पहले पहले किसान के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला किसान ने जब बैंक से रकम ली तो वो 1500 रुपये थी, यानी जो 1500 रुपये है वो हमारी मूलधन राशि है। अब इस 1500 रुपये को एक वर्ष के बाद उसने लौटा दिया बैंक को, और कितने रुपए दिए? 1650 रुपये। इसका मतलब जो ये क्या है, हमारी मिश्र धन राशि है, क्योंकि इसके अंदर 1500 रुपये वो राशि है जो पहले किसान ने बैंक से ली थी, और 150 रुपये अतिरिक्त राशि दी गई है। तो इसका मतलब ये है मिश्र धन राशि वो राशि होती है जिसमें हमारी मूलधन राशि यानी 1500 रुपये प्लस जो इसने अतिरिक्त राशि दी है, जिसको हम ब्याज के नाम से जानते हैं, वो हमारी क्या है? ब्याज है। तो इसका मतलब ये है कि 150 रुपये अतिरिक्त वापस किया गया जो रकम है वो हमारा ब्याज कहलाता है, और ब्याज सहित मूलधन की राशि को हम लोग मिश्र धन राशि के नाम से जानते हैं, और वो मिश्र धन राशि कहलाती है। ओके दोस्तों, आइए अब इसने हमसे कहा है प्रश्न में इसका हमें क्या ज्ञात करना है? ब्याज दर प्रतिवर्ष। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दोस्तों, सबसे पहले हमें ब्याज निकालना है, और उस ब्याज के बाद हमें ये लिखना होता है कि 1500 रुपये मूलधन राशि पर उसने एक वर्ष के बाद 150 रुपये ब्याज दिया। ओके दोस्तों, अब अगर हमें 1 रुपये मूलधन राशि पर ब्याज ज्ञात करना है एक वर्ष का, तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? 150 रुपये को भाग कर देंगे 1500 रुपये से। ओके दोस्तों, और गुना कर देंगे 1 रुपये से, क्योंकि हमें 1 रुपये का निकालना है, तो जिसका मान ज्ञात होगा 1/10। ओके दोस्तों, अब हमें अगर 100 रुपये मूलधन पर एक वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? जो हमारा 1 रुपये के ऊपर लगा ब्याज यानी 1/10 को हम 100 रुपये से गुना कर देंगे, तो हमें 100 रुपये की मूलधन राशि पर ब्याज ज्ञात हो जाएगा। क्या ज्ञात हुआ? 10। ओके दोस्तों, सो बैंक, तो इसका मतलब ये है कि बैंक द्वारा ली गई दर वो 10% प्रतिवर्ष है। ओके दोस्तों, ब्याज दर कितनी हुई हमारी? 10% प्रतिवर्ष। ओके दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं दूसरे किसान के ऊपर। दूसरा किसान 2 वर्ष बाद 1800 रुपये लौटाता है, जबकि उधार ली गई राशि कितनी थी? 1500 रुपये। इसका मतलब ये है कि हमारी मूलधन राशि 1500 रुपये है, और जो इसके ऊपर 300 रुपये अतिरिक्त जमा की गई राशि है वो हमारी क्या है? ब्याज है। तो हमारी ब्याज राशि आई 300 रुपये, मिश्र धन राशि आई 1800 रुपये, और समय कितना लिया इसने? 2 वर्ष का। ओके दोस्तों, अगर हमें 1500 रुपये मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज हमें 300 रुपये देना पड़ रहा है, तो हम 1 रुपये मूलधन राशि पर 2 वर्ष का ब्याज कितना देंगे? 1/5। अगर हमें 100 रुपये मूलधन राशि पर 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे?
एक भाग पांच गुणा एक भाग दो। एक भाग दो किस लिए किया गया है? क्योंकि वो 2 वर्ष का बता रहा है, और गुणा 100 बराबर 10 रुपए। अर्थात इसका मतलब ये है कि ब्याज की दर कितनी आई इसमें हमारी, 10% प्रति वर्ष। ओके दोस्तों, आइए अब तीसरे किसान के ऊपर इसी प्रकार हम चर्चा करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? तीसरा किसान 3 वर्ष के बाद 1950 रुपए लौटाता है, जबकि उधार ली गई राशि हमारी कितनी है? 1500 रुपए। इसका मतलब ये है कि मूलधन राशि हमारी है 1500 रुपए, लौटाई गई राशि हमारी है 1950 रुपए। इसका मतलब ये है कि जो 450 रुपए अतिरिक्त राशि जमा की गई है, वो हमारा क्या है? ब्याज है। 1500 रुपए पर 3 वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है? 450 रुपए। अगर हमें 1 रुपए मूलधन राशि के ऊपर 3 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो हम किस प्रकार निकालेंगे? 450 भाग 1500 गुना 1 बराबर 3 भाग 10। 1 रुपए मूलधन राशि पर 3 वर्ष का ब्याज आया हमारा 3 भाग 10। 100 रुपए मूलधन राशि पर अगर हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे? 3 भाग 10 जो हमने 1 रुपए के लिए निकाला था, गुना कर देंगे 1 भाग 3 से, और उसके बाद गुना कर देंगे 100 रुपए से, क्योंकि हमें 100 रुपए का निकालना है। तो हमारा उत्तर आएगा 10 रुपए। इसका मतलब ये है कि ब्याज की दर 10% हो जाएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति में स्पष्ट है कि प्रत्येक किसान द्वारा बैंक को लौटाई गई अतिरिक्त राशि जो हमें ब्याज कहलाती है, वो अलग-अलग है, परंतु प्रति वर्ष ब्याज की दर जो है वो क्या है? समान है। अतः ब्याज की दर प्रति 100 रुपए पर 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि ब्याज की दर प्रति 100 रुपए पर 1 वर्ष के लिए निर्धारित की जाती है। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों हमने सीखा परिचय और साधारण ब्याज, मूलधन राशि, ब्याज, मिश्रधन की समझ हमने अच्छे से प्राप्त कर ली है। दोस्तों अगली वीडियो में हम साधारण ब्याज के कुछ अतिरिक्त प्रश्नों का अध्ययन भी करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।